मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे डी लाइव पुटका का वह ग्रामीण क्षेत्र जिसमें सूरज मंडल जी जिला परिषद के चुनाव में तैयारी चुनाव का तरीका देखिए, हर गांव में जाकर पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ पूरा यंग लड़के जो अभी मैट्रिक इंटरमीडिएट में जो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम देंगे और खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास में आप क्या क्या करेंगे, क्यों जिला परिषद का चुनाव खड़ा किया? देखिए, मैं क्षेत्र के लिए काम किया हूँ जो कि पूरे पुटका जैसे हल्दी पोखर प्रतानी स्वास्थ्य केंद्र उसमें करीब 10 से 15 किलोमीटर दायरे में पड़ने वाले लोग वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए लोग आते हैं, जो कि इस विधानसभा में बोलिए चाहे इस परिषद क्षेत्र में बोलिए, वहाँ स्थिति इतना बुरी तरह खराब है जो कि डॉक्टर तो रहते भी नहीं है, वहाँ कुंपेंडर तक नहीं रहते और वहाँ मोमबत्ती से इलाज किया जाता है। इसको हम लोग सुधार करने के लिए हम लोग मांग करेंगे। हम लोग मांग ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि बिजली का मुद्दा क्षेत्र के लोग जान रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं जो कि रक्तदान शिविर हम लोग लगाने का काम करते हैं और किसी भी जाति किसी भी धर्म को कोई भी हो सबको देने का काम करते हैं। विगत जो कोरोना अभी भी लगभग है ही है, जो प्रथम कोरोना गाइडलाइन आया था उस टाइम हम लोग गाँव गाँव जो जिसको चाहिए अनाज उन लोग को हम लोग सूखा राशन या भोजन कराने का काम किए हैं, इसलिए हम लोग को लगा, हमारे क्षेत्र को लगा कि इनको एक बार खड़ा होना चाहिए और हमको समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और हम जीत रहे हैं। जीतेंगे तो सबसे पहले हल्दी बगर स्वास्थ्य केंद्र उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। वर्तमान हमारे पुटका में जिला परिषद मैडम है तो इस क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान करना अति आवश्यकता है जो कि वो शायद नहीं कर पा रही है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, हाथा और हल्दी पकड़ सबसे बड़ा इस क्षेत्र का मार्केटिंग क्षेत्र है, सभी गांव के लोग वहां जाते हैं, वहां जैसे चौक में एक भी शौचालय नहीं है, महिला लोग को शौच करने के लिए बहुत ही समसाल इधर उधर जाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग वहाँ हाथा हल्दी पकड़ में शौचालय बनाने का काम करेंगे। कितने दिन से राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो हम करते नहीं है, हम सोशल वर्क करते हैं सभी का। कितने दिन से? करीब जब मेरा दिमाग मतलब ये हुआ ये खाना चाहिए, जैसे कि 16-17 साल से हमको जब खेलना कूदना पड़ा तो करते थे, खेलना कूदना के समय से ही हम दूसरे का सेवा करने का काम कर रहे हैं। एक चीज बताइए, यहाँ से हाथा चौक से जमशेदपुर TMH कितना? करीब करीब 22-23 किलोमीटर। कितना एक्सीडेंट होता है महीने में? बहुत एक्सीडेंट होता है। एक भी एम्बुलेंस है यहाँ? एम्बुलेंस तो दिए हैं, पेशेंट जाते जाते वहाँ डेट कर रहे हैं, एकदम कर जाते हैं। इसके लिए कोई आपके पास योजना है? देखिए, उसका अगर कुछ हम लोग जीतते हैं, हमारे पास अगर कुछ ये होता है तो हम भी क्षेत्र को एम्बुलेंस देने का काम करेंगे। और क्या करें? शिक्षा जैसे कि हाँ, पूरे 9 पंचायत में पंचायत लेवल में हम लोग अपने समिति की ओर से निजी खर्च से मैट्रिक और इंटर देने वाले विद्यार्थी को
निःशुल्क शिक्षा कोचिंग कराएंगे और वो लोग पास करने के लिए विधायक या संसद करेंगे जिला परिषद कितना अच्छा बात है। मेरे पास फंड नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे। अब देखना है कि जीतने के बाद मंडल जी कितना कामयाब करते हैं, या तो समय बताएं। जब बचपन से सारे बुजुर्गों का लाठी बनने का काम किए हैं और युवा साथियों का साथी बनना चीज है भारतीय छाप और आपके माध्यम से सभी क्षेत्र के जनता को निवेदन पूर्वक कहना भी चाहते हैं कि भारतीय छाप चुनाव चिन्ह में मतदान देकर मुझे भारी से भारी मुद्दे विजय बनाए क्षेत्र का विकास और समाज सेवा करने का मुझे हौसला बुलंद करने का। सूरज मंडल जिंदाबाद। सब्सक्राइब कीजिए।